हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसपी। आज की डेट में यहाँ पे जैसे कि आपको पता है एफएफए का जो एग्ज़ाम लिया गया है जेके एसएसपी के द्वारा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे हैं कि जो एफएफए का जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कितना रहने वाला है, कैटेगरी वाइज भी बताएंगे और आपको जनरल वालों का भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो इससे पहले एफएफए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो इससे पहले आपका एफएफए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ था वो 95 गया था। तो इस बार अगर हम बात करें कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे 86 से लेकर 92 के बीच में जो इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका रहेगा। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कोई जेन्युइन नहीं है, बट इसके पीछे कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 86 से 92 के बीच में रहेगा। क्योंकि आज की इस पेपर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एग्ज़ाम को दिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमी जो पढ़ी नहीं थी और कुछ की अकाउंटेंसी नहीं थी, तो उसकी वजह से उनको लग रहा था कि हमारा जो आज का एग्ज़ाम है ऐसे ही जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम को दिया ही नहीं। क्योंकि पिछले 2-3 साल से इसके फॉर्म लगे हुए थे तो बच्चों ने तैयारी भी नहीं करी इतनी। तो आप मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है जनरल वालों का वो 86 से 92 के बीच में रहेगा। उसके बाद अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसका आपके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 80 रहेगा। 80 से जितने भी बच्चे ऊपर हैं वो सेफ हैं, और उससे नीचे वो आपके 80-90 चांस बन सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें पेपर की, तो यहाँ पे आपका पेपर इतना कुछ टफ नहीं आया हुआ था, इजी क्वेश्चन आए हुए थे। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में भी बहुत इजी ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम साइंस की, तो साइंस में से आपको विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आपको एसआई यूनिट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन हैं साइंस के जो आपको पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड चेन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके साइंस के जो थे वो 10 क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले साइंस में से, क्योंकि यहाँ पे जीएस में से जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे वो 10 एक्स्ट्रा पूछ दिए इन्होंने। तो उसके बाद इकोनॉमी में आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो ईजी था। जितने भी डिजीज़ के ऊपर और विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी हमने आपको फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में के जितने भी हमने सीरीज प्रोवाइड करी हैं आपको, एमसीक्यू सीरीज, उसमें आपको सभी क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल के साथ अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं जेके एसएसपी की तरफ से, तो हम उसके ऊपर आपको कम्प्लीट एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं।